जूनी क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बतानी है जिनका कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है। तो हम पहला देख लेते हैं। पहला हमें बोला गया है NH2NP4 4N=3। तो हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमें बोला है NH2NP4 और N का वैल्यू दे रहे हैं हमें 3 NH2NP4। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि जो n का वैल्यू होता है वो हमारा पीरियड का नंबर होता है। तो ये हो गया NH2NP4। तो थर्ड हो गया हमारा पीरियड। फिर हमें क्या बताना है, अगर हम इसमें देखें तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल में जा रहा है, तो इसका मतलब ये किस ब्लॉक को बिलोंग करता है, पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। और जब भी कोई एलिमेंट पी ब्लॉक को बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप निकालने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16th ग्रुप। तो ये थर्ड पीरियड पी ब्लॉक और 16th ग्रुप को बिलोंग करता है। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, N-1D2NH2 4N=4। अगर इसमें N=4 दे रहे हैं तो N=4 का मतलब क्या हो गया, हमारा फोर्थ पीरियड हो गया। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पीरियड। N=4 मीन्स फोर्थ पीरियड हो गया। ये हो गया फोर्थ पीरियड। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 है, डी के 2 और एस के 2। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फोर है तो ये किसको बिलोंग करता है, फोर्थ ग्रुप को बिलोंग करता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो इसलिए किस ब्लॉक को बिलोंग करता है, ये हो गया डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। नेक्स्ट सी वाला हम देख लेते हैं। सी वाले में हमारे पास क्या है, N-2F7। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं, N-2F7N-1D1NH2। अब N=6 बोल रहा है, अगर N=6 है मीन्स ये हो जाएगा 6th पीरियड के लिए। तो ये हो गया 6th पीरियड। दूसरा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जा रहा है तो ये हो जाएगा F ब्लॉक। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ये लर्न ही हमें कर लेना है कि ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।